हेलो एवरीवन, टेक्निकल कट्टा पे आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको टेक्निकल कट्टा पे, राइट ना, टेक्निकल कट्टा पे मैं आपको कुछ नया टॉपिक लेके आया हूँ। और मैं आपका दोस्त ईश्वर शला, राइट, और ये मेरे टेक्निकल कट्टा। और हमेशा से कहता हूँ मैं कि इफ यू आर रेडी टू दिस डिस्क्रिप्शन, देन वीडियो इज मेड फॉर यू। तो दोस्तों, मुझे आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, टेक्निकल कट्टा मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद मुझे आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ईश्वर छलार, और फॉलो ऑन मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेट डॉट निकल कट्टा। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि सरकारी जो नौकरियां होती है वो 10वीं के बाद, राइट ना, सरकारी जो नौकरियां होती है और गवर्नमेंट जॉब जो होते हैं 12th के बाद, वो कौन से। तो पहला नंबर है दोस्तों टेक्निकल फील्ड में, डिफेंस सेक्टर में, जिसमें आपको नेवी आती है, राइट, आर्मी आती है, नेवी आती है। इसमें एज आपका होना चाहिए 22 तक। आपका एज क्या होना चाहिए दोस्तों? 22 तक। और इसमें आपको 12th साइंस की जरूरत होती है। किसकी? 12th साइंस की जरूरत होती है दोस्तों। मैथमेटिक्स कंपलसरी है दोस्तों, और डायरेक्टली आप क्लास 1 की पोस्ट इससे आप निकाल सकते हो, अगर आपको 80% 80% रहे मैथमेटिक 12th साइंस में, तो आप सिलेक्ट हो सकते हो। ओके, डायरेक्टली क्लास 1 की। इसमें आपको विदाउट एंट्रेंस एग्जाम न देते हुए आप जा सकते हो दोस्तों। तो उसके बाद रहता है दोस्तों स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट। क्या होता है स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट में? इसमें आपको 12th में परसेंटेज का इश्यू नहीं होता दोस्तों, राइट। आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है और सैलरी भी अच्छी इसमें मिलती है। मतलब स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट में आपको अच्छी वैकेंसियां रहती है दोस्तों, राइट। आगे हम जाएंगे दोस्तों कि स्टेट एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर में आपको Grade C और Grade D की एग्जाम रहती है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें आपका स्किल टेस्ट टाइपिंग जरूरत पड़ती है, और इसमें मैथ्स कंपलसरी नहीं होता दोस्तों। इसमें आपको मैथ्स कंपलसरी नहीं होता। आगे का हमारा जो एग्जाम है वो रहता है दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड मीन्स वन विभाग है दोस्तों, जिसमें पेड़ पौधे रहते, राइट ना, पेड़ पौधे। वो सेंट्रल लेवल की एग्जाम होती है, इसमें वन विभाग की एग्जाम होती है, राइट। अच्छी वैकेंसीज रहती है दोस्तों इसमें, और अच्छी सैलरी भी आपको मिलती है। आगे का है हमारा 5th नंबर का। इसमें रहता है दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का दोस्तों, राइट। इसमें क्या रहता है दोस्तों? एसएससी जीडी कांस्टेबल का। और आज में आप इसमें पैरामेट्रिक फोर्स, राइट, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, और इसमें आपका एज जो रहता है वो 22 साल तक आपको इसमें फॉर्म आप भर सकते हो एसएससी जीडी कांस्टेबल में। आगे दोस्तों स्टेट पुलिस में, राइट, जो स्टेट पुलिस में, इसमें आपको कांस्टेबल के आपको मतलब अच्छे से पोस्ट रहती है इसमें, राइट। इसमें आपको एग्जाम इजी रहता है दोस्तों। इसमें आपको फिजिकल और मेडिकल, फिजिकल मेडिकल आपको फिट रहना जरूरी है दोस्तों स्टेट पुलिस में। आगे क्या है दोस्तों? आपको 7th नंबर पे, 7th नंबर पे हमारा एनडीए मीन्स डिफेंस में, इसमें आपको, राइट ना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में आप चीफ बन सकते हो। आर्मी चीफ है, एयरफोर्स चीफ है, नेवी, जो भी आर्मी चीफ रहते, एयरफोर्स चीफ रहते, नेवी चीफ रहते, वो एनडीए में, राइट ना, डिफेंस सेक्टर में 12th साइंस के बाद आप आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ भी बन सकते हो, या आप एयरफोर्स में पायलट भी बन सकते हो इस एग्जाम में, इस एग्जाम देने के बाद। उससे बाद है दोस्तों स्टेट पुलिस कांस्टेबल की, स्टेट पुलिस कांस्टेबल की, इसमें आपको 12th रहना जरूरी है दोस्तों। 12th फिजिकली फिट रहना जरूरी है आपको इसमें। इसमें आपकी रिटर्न एग्जाम भी होती है दोस्तों। आपको फिजिकली और मेडिकल में भी आपको इसमें फिट रहना जरूरी होता है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। एक स्टेट पुलिस कांस्टेबल के अलग से होते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी अलग से एग्जाम होते हैं। इसमें भी सैलरी अच्छी मिलती है आपको दोस्तों, राइट। अभी इसमें हम देखेंगे 10th नंबर पे दोस्तों एसएससी सीएचएसएल में आपको क्लर्क लेवल की अच्छी सी जॉब आपको मिल सकती है। एसएससी सीएचएसएल में आप
फॉर्म भर सकते हो और क्लर्क लेवल की आप जॉब आपको मिल सकते हैं। उसके बाद रेलवे में दोस्तों, रेलवे में अभी बहुत सारे एससीआर थ्रू आपको, एससीआर तो मतलब स्पेशल क्लास रेलवे में आपको एग्जाम होते हैं, उसमें आपको मैथ्स कंपलसरी, आपका डिपार्टमेंट आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की पढ़ाई भी आपको करवा देता है 4 साल की, और आपको अच्छे से पोस्ट पे लेके जाता है रेलवे में एससीआर के थ्रू। रेलवे में और एक रहता है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी। ओके, जो आपका आरआरबी एनटीपीसी मतलब दोस्तों नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में आपको जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क और टिकट क्लर्क जैसे आपको जॉब्स रहते हैं दोस्तों। रेलवे में आपको टीसी, टीटी क्लर्क और लोको पायलट जैसी वैकेंसी आपको मिलती है दोस्तों। सो थैंक्स दोस्तों, राइट, आपको ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए दोस्तों।